महर्षि नारद को निरुत्तर कर भोलेनाथ देवी पार्वती को मार्कंडेय संबंधी प्रश्नों से विमुख कर देते हैं। शिव नाम स्मरण से आनंदित होने वाला मार्कंडेय अपने पिता से शिव तत्व का परिचय जानकर शिव भक्ति में लीन हो जाता है। शिव लीला के कारण अपने जीवन की अंतिम रात्रि का रहस्य माता के मुख से सुनकर मार्कंडेय अपने घर का त्याग कर देता है। मार्कंडेय की अटल शिव भक्ति देख नारद को शिव कृपा पर विश्वास हो जाता है। मार्कंडेय को बिछावन पर न पाकर सुतपा व्यथित हो जाती है। मार्कंडेय के प्राण हरने में असफल यमदूत पर क्रोधित होकर यमराज स्वयं उसके प्राण हरने निकलते हैं। पुराने आलेखों को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। माता, यह आलेखन प्रसन्नता का ही विषय है। ऐसा क्या लिखा है इनमें? ये बताने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूं देवी। एक गुरु प्रसन्न कब होता है? स्वामी, आपके स्तर का ज्ञान नहीं है मेरे पास। तुम परम विदुषी हो तारा। आपकी पत्नी के साथ ही साथ आपकी शिष्या भी हूँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप ही से सुनने की इच्छुक हूँ। देवी, एक गुरु अत्यधिक तब प्रसन्न होता है जब उसका शिष्य उससे भी अधिक सम्मान व श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर ले। सत्य वचन स्वामी, जब गुरु की अतृप्त अभिलाषाएं शिष्य में साकार होने लगी तो गुरु प्रसन्न होगा ही। या लेख मेरे प्रिय शिष्य नारद के हैं, आज उसे मुझसे भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इन आलेखों को लिखते समय वो मेरा बालक था, परंतु व्याकरण में कहीं कोई त्रुटि नहीं की है। परंतु नारद की लगन एवं आपकी प्रति श्रद्धा ने आज उसे इस स्थान पर पहुंचा दिया है। देवी, गुरु में आस्था ही शिष्य की सफलता की कुंजी होती है। ब्रह्मपुत्र होने के पश्चात भी नारद विनम्र और जिज्ञासु दोनों ही। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम माता। देवर्षि नारद, आप गुरुदेव आपका ही स्मरण कर रहे थे। ये तो मेरा परम सौभाग्य है माता। पधारे देवऋषि नारद, आसन ग्रहण करें। नारायण नारायण। शिष्य गुरु के सामने आसन ग्रहण करें, ये शिक्षा तो आपने मुझे नहीं दी गुरुदेव। नारद, तुम मेरे शिष्य अवश्य थे, किंतु अब आदरणीय एवं देवऋषि हो। तुम्हारी उपस्थिति मंगलकारी एवं आनंद का प्रतीक मानी जाती है। गुरुदेव, मैं भले ही महान से महान पद प्राप्त कर लूं, परंतु उसका श्रेय आपकी दी हुई शिक्षा को ही जाएगा। आप मेरे सदा सदा गुरु हैं, और वैसे भी मैं आज यहाँ एक याचक के रूप में शिवाज्ञा से उपस्थित हुआ हूँ। शिवाज्ञा? कहो शिष्य श्रेष्ठ नारद, कहो। गुरुदेव, सर्वप्रथम आप आसन ग्रहण करें। आपके इस प्रकार खड़े रहने से मुझे लज्जा का अनुभव होता है, कृपया आप बैठें। अब विलंब न करो नारद, शिवाज्ञा सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत आतुर हो रहा। गुरुदेव,
मुझे भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि मुझे दिव्य ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति अपने गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। गुरुदेव, आपकी गंभीरता इस बात का संकेत देती है कि संभवतः मैं दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हूँ। नहीं नहीं नारद, तुम तो परम योग्य हो, किंतु मेरी दुविधा का कारण दूसरा है। दुविधा? हाँ नारद, अभी मैं स्वयं इस योग्य नहीं कि तुम्हें परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर सकूं। गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ असत्य तो नहीं कहेंगे? शिव शंकर ने जो कुछ कहा है वो सत्य है। शिष्य को ज्ञान गुरु से ही प्राप्त होता है, परंतु तुम जिस रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हो वो मैंने अभी प्राप्त नहीं किया है। ऐसी स्थिति में नारद की याचना का क्या होगा? उसके लिए मुझे स्वर्ग लोक छोड़कर पृथ्वी लोक आनंद की नगरी काशी जाकर शिवाराधना करें। जब भोलेनाथ मेरी तपस्या से प्रसन्न होंगे तब मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे एवं मैं तुम्हें प्रदान कर पाऊंगा। गुरुदेव, क्या दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे भी तपस्या करनी होगी? रहस्यमय दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के दो ही उपाय मुझे, या तो त्रिदेव में से कोई तुमसे प्रसन्न हो या तुम स्वयं तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं। अब आप अपने शिष्य को आज्ञा दे गुरुवर। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। वैकुंठ में मैं ये क्या देख रहा हूँ? श्री हरि, श्री हरि, आपकी अनुपस्थिति में वैकुंठ को तपस्थली के रूप में देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। कृपया आप प्रकट हो श्री हरि, कृपया आप प्रकट हो और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। श्री हरि शांत करें। नारद, नारद, ब्रह्म ज्ञान की जिस जिज्ञासा को लेकर तुम वैकुंठ लोक आए हो वो यहाँ भी शांत नहीं होगी। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा क्यों? जो दिव्य ज्ञान हमने भगवान शिव से प्राप्त किया है वो हम उनकी इच्छा के बिना किसी अन्य को प्रदान नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ श्री हरि? वो मार्ग भी तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने बताया था कि तुम आनंद धाम काशी नगरी जाकर शिव आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं? शिव इच्छा से तो अनेक मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं नारद, किंतु मैं तुम्हें इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं बता सकता। ओम नमः शिवाय। अपनी माता लक्ष्मी को देख रहे हो नारद? उन्हें तपस्यारत देखकर आपको आश्चर्य हुआ था और आपने हमसे प्रकट होने की प्रार्थना की थी, किंतु जब हम स्वयं आश्चर्यचकित हैं तो आपके आश्चर्य का समाधान कैसे करें? श्री हरि, आप तो प्रत्येक रहस्य का रहस्य जानते हैं, फिर भला आपको आश्चर्य कैसा? नारद, इसीलिए तो हम स्वयं वैकुंठ लोक से अदृश्य हुए थे। परंतु क्यों प्रभु? जब धन समृद्धि और वैभव की देवी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा करे नारद, तो क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? किंतु इनकी यह इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। ये तप योग की जगह कहीं हठ योग ना बन जाए, इसीलिए हम यहाँ से अदृश्य रहे नारद। माता, कृपया आप मुझ पर रोष ना करें। आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न रखने का प्रयास करें, मैं केवल इतना निवेदन कर सकता हूँ। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की जिस आशा को लेकर तुम यहां उपस्थित हुए हो नारद वो कैलाश और वैकुंठ के समान यहां भी पूर्ण नहीं होगी। ऐसा क्यों परमपिता? आप मुझे निराश क्यों करते हैं? और फिर मैं तो आपका मानस पुत्र हूँ और पिता के ज्ञान एवं उनकी संपत्ति पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है और वो न्याय सम्मत भी है। न्याय की दुहाई मत दो नारद। किंतु क्यों परमपिता? न्याय की ये व्यवस्था और संसार के समस्त विधान आपके द्वारा ही तो रचित हैं। न्याय और विधान अवश्य मेरे द्वारा रचित हैं, किंतु उत्तराधिकार संबंधी विधान विधाता ने कभी स्वीकृत नहीं किया है। अर्थात आप ये कहने के इच्छुक हैं स्वामी कि पिता की संपत्ति एवं ज्ञान पर पुत्र का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है? धनी पिता की संपत्ति का दुरुपयोग करना, अपने परिवार की समृद्धि पर अहंकार करना और अपने ही पिता को ज्ञानी समझकर दूसरे के ज्ञान का निरादर करना, उत्तराधिकार में मिले ज्ञान एवं समृद्धि प्राप्त करने वाले पुत्र का स्वभाव बन जाता है, क्योंकि ज्ञान समृद्धि धन एवं सत्ता उसने अपने कर्म परिश्रम और पुरुषार्थ से अर्जित नहीं किया। अधिकार का उल्लेख और न्याय व्यवस्था की दुहाई देने के लिए कृपया आप मुझे क्षमा करें परमपिता। किंतु दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या मुझे निराश होना पड़ेगा? तुम्हारी निराशा से भी महत्वपूर्ण यह है नारद, क्या संसार में दिव्य ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की लहर से उठी है? देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी की तरह तुम्हारी ही आकांक्षा को प्रतिबिंबित कर रही। यद्यपि एक साधारण से साधारण मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, किंतु उसके लिए उपयुक्त पात्रता आवश्यक है। पात्रता? हाँ, पात्रता जो वंशानुगत नहीं हो सकती, उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए पुरुषार्थ तपस्या परिश्रम और शिव आराधना करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना दिव्य ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।